पटाक। હવે દરેક ખબર 30 સેકન્ડમાં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને ડાઉનલોડ કરો તક એપ। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં તાજેતરમાં શહેજાદ ખાન પઠાણ વિરોધ પક્ષના નેતા બન્યા છે અને વિરોધ પક્ષના નેતા બનતાની સાથે જ શહેજાદ ખાન પઠાણ એક્શન મોડમાં આવી ગયા છે અને આજ રોજ તેઓએ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં આશ્ચર્યજનક વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું। કારણ કે મનપા દ્વારા દાવો કરવામાં આવે છે કે અમદાવાદ સ્વચ્છ શહેર છે ત્યારે તેને લઈને શહેજાદ ખાન પઠાણે મેયર ડેપ્યુટી મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનના ઓફિસની બહાર શહેરમાં જે જે જગ્યાએ ગંદકી છે તેના ફોટોગ્રાફ્સ ધરાવતા પોસ્ટર ચોંટાડ્યા અને તેઓએ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં આગવો વિરોધ નોંધાવતા કહ્યું કે મનપા દ્વારા ખોટા દાવાઓ થઈ રહ્યા છે। एक तरफ अहमदाबाद शहर को मेगा सिटी और मेट्रो सिटी का टैग दिया गया है और अहमदाबाद शहर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पैसे देकर स्वच्छता के नाम पर अवार्ड खरीदता है। कहीं ना कहीं बाबुओं के राज में कॉन्ट्रैक्टरों के साथ मिली भगत कर स्वच्छता अभियान के नाम पर जो करोड़ों रुपए आए हैं वो कॉन्ट्रैक्टरों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया गया है। लेकिन अहमदाबाद शहर की वास्तविकता और परिस्थिति कुछ और है। आज कांग्रेस पार्टी ये स्वच्छता अभियान के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद शहर को 5-7 स्टार रैंकिंग देने की बात कर रही है उसका विरोध करती है और यदि यह परिस्थिति इस तरीके से चलती रही तो कांग्रेस पार्टी और उग्र आंदोलन करती रहेगी। 5-7 स्टार रैंकिंग देने की बात अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्वच्छता के नाम पर लेने की बात करता है लेकिन परिस्थिति आज आपने देखा है, हमने मेयर की ऑफिस पर और कमिश्नर की ऑफिस पर स्टिकर लगाए हैं जहां पर अहमदाबाद शहर की सड़कों की परिस्थिति बताई गई है। सुधारा 10 साल तक ये बाबूराज और ये नेता लोग एक दिन का फोटो सेशन करने के लिए सड़कों पर उतरकर झाड़ू लगाते हैं लेकिन सिर्फ फोटो सेशन ही होता है, वो सिर्फ कैमरे में ही आते हैं लेकिन परिस्थिति और रियलिटी कुछ और है। सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट हो या अहमदाबाद शहर की कमेटी का कोई भी अधिकारी हो सारे के सारे सभी लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं।